यार क्या मस्त तो गाइस भाई, देख पा भाई रहे क्या हो मस्त भाई क्या सामने दो मस्त लड़के हैं मेरी बाइक के बढ़िया साथ भाई में क्या फोटो यार। खिंचवा रहे हैं बाप ने और अपनी मैंने फोटो क्या खींचा कर ना दिया, भाई, कैमरा फोटो अपना भी लगा छुपा ले। के देखो भाई रिकॉर्डिंग कर रहा बड़े हूँ। लग रहे तो ना हम देखो भाई इन बार यार बंदों को थोड़ा ये यार, डराते एक हैं, छोटे मेरा तो सुन ना फोन की बोले नहीं एप्लीकेशन ये रही, यार, तो सुना हम सुना करते सुना हैं चले इसको भाई ऑन। बड़े लग रहे ना। तो गाइस सबसे पहले देख रहे हो हाँ बाइक हमारी हो भाई ऑन हो जाएगी। सो तो फोटो खींचना आराम से, बुरे लग रहे हैं सो हे गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज आप लोगों ने बाइक स्टार्ट होते हुए देखा होगा, सेल्फ से, रिमोट से, कीलेस एंट्री से, काफ़ी तरीके से बाइक गाड़ी जो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मैं आप लोगों को आज ऐसा एक प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ जिसको स्टार्ट करोगे अपने मोबाइल की एप्लीकेशन से। जी हाँ गाइज, ये जो है पूरा पूरी बात 100% सच है कि अब अपनी बाइक है अपने मोबाइल की एप्लीकेशन के थ्रू इसको स्टार्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम उसके अंदर एक छोटा सा डिवाइस है गाइस, सिर्फ और उसके अंदर 4 वायर्स है, इग्निशन की वायर्स लगेगी इसके अंदर सेल्फ की, और एक पॉजिटिव होगी जिसमें आपने कोई वायर करने करने कोई किसी तरीके से कुछ नहीं करना गाइस। आप अपनी बाइक शोरूम से लेकर आए हो ना, शोरूम तलक की बाइक के अंदर भी आप लगा सकते हो। ये मत सोचना कि मेरी बाइक नहीं है तो मैं उसके अंदर लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा गाइज, आप बिल्कुल लगा सकते हो। इससे क्या रहेगी, आपकी बाइक सिक्योर रहेगी, जैसे कि होती है चोरी चकारी होने के खतरे, आपकी बाइक कहीं पर भी आप अपनी बाइक को अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही ऑफ कर सकते हो गाइज। ये बहुत ही अच्छा ज़्यादा फीचर है इसके अंदर जो आप अपनी बाइक के अंदर ही लगाओगे डिवाइस। तो चलो गाइज अपने जो डिवाइस लगाएंगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ डिवाइस कौन सा है, किस ब्रांड का है, उसके अंदर आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगी। सो गाइस ये है मेरे पास में एक स्पीडवे का HKG का प्रोडक्ट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये है पूरा का पूरा बॉक्स इसका, और गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके ऊपर इसके जो लाइंस वगैरह हैं कुछ लिखी भी हैं, फॉर दिस हु वांट टू सम न्यू। जैसे कि आप देख पा रहे हो बॉक्स के पीछे भी इस तरीके से ब्लूटूथ लॉक एंड मोबाइल स्मार्ट, और इस तरीके से आप देखोगे तो ये गाइस मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, ये कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं है। और पीछे से कुछ ना कुछ ये आपको इस तरीके से दिखेगा, और साइड में देख पा रहे होगा इसके 100% वाटर प्रूफ है, मेड इन इंडिया है और यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब होता है आप इसको किसी भी बाइक में गाड़ी के अंदर इसको ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो। तो करते हैं इसको फटाफट से अनबॉक्स। सो गाइस जैसे कि यहाँ पर सील थी, सील हमने इसको हटा दी है, और फिलहाल तो करते हैं इसको अनबॉक्स। अनबॉक्स करते टाइम आपको गाइस यहाँ पे मिलती है इसकी इंस्ट्रक्शन गाइड जिसमें लिखा हुआ है इसको किस तरीके से यूज़ करना है किस तरीके से नहीं। पीछे आपको एक बार कोड दिया गया है आप अपने फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, और नीचे कुछ डायग्राम दिया हुआ है नेगेटिव पॉजिटिव और एक स्टार्ट और एक इग्निशन का। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये है इसकी एक इंस्ट्रक्शन गाइड, और इसी के साथ में गाइस इसके मिलता है एक वारंटी कार्ड। तो वारंटी कार्ड में आपको वारंटी मिलती है इसकी पूरी की पूरी 1 साल की वारंटी मिलती है। और यहाँ पर है हमारा मेन हाईलाइट इसका प्रोडक्ट। तो गाइस प्रोडक्ट देख पा रहे हो ये सिर्फ उसी साइज़ का जिस तरीके से आप देखते हो गए एक सिमटेक का 4 वायर वाला एक फ्लैशर, यानी कि आप देख पा रहे होगा इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर इसको बनाया गया है, HKG प्रोडक्ट है ये। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक बटन है जो इसका बटन है वो रिसेट करने के लिए बटन होता है। और यहाँ पर दी गई है गाइस हमारे को इसकी वायरिंग हार्नेस और इसके अंदर एक स्विच। तो स्विच को आप ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, यानी कि आप अपने खुद से इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो डिवाइस को। तो ये है इसकी वायरिंग, ये इसका डिवाइस, और देख पा रहे हो गाइस डिवाइस के ऊपर आपको देखने को मिलता है आउटपुट इसके अंदर है 12 वोल्ट का और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, और उसके साथ में आपको मिल जाएगी इसकी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए इसका एक बार कोड। सो गाइस सबसे पहले हम करते हैं अपने फ़ोन के अंदर इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए हमने सिंपली क्या करना है, मोबाइल का कैमरा ऑन करके और ये लिंक दे रखा है इस पर करना है हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा प्ले स्टोर में, तो यहाँ पर मिलेगा आपको ब्लूटूथ टर्मिनल HC05। एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है, तो एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद में गाइस आप लोगों को यहाँ पर ब्लूटूथ के कुछ मॉडल्स दिखेंगे। तो इसके अंदर हमारा मॉडल है ये HKG05। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पर पहले से ऑलरेडी इसका सेटअप कर रखा है, तो एप्लीकेशन है उसको जल्दी से जल्दी हम इसको रेडी कर सकते हैं। तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसको किस तरीके से सेटअप हम करेंगे। सो गाइस ये है मेरे पास में KTM RC390। आप मेरी बाइक का लुक देख सकते हैं, और लास्ट टाइम हमने इसके अंदर काम करा था गाइस रिंग पिस्टन का काम करा था, जिसके अंदर हमने इसके रिंगें डाल के इसके अंदर स्मोक प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। जिस किसी बाइक को देखना है तो साइड में आई बटन में देख सकता है, बाकी लिंक दे दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो गाइस हमारे जो 390 है उसके अंदर हम लगाएंगे यहाँ पर कवर के अंदर। तो जैसे कि यहाँ पर होता है बैटरी वाला
पोर्शन होता है तो बैटरी वाले साइड में हम कर देंगे इसको कवर को हटाने के बाद। तो गाइज ये आ जाता है आपका बैटरी एरिया, तो हम इसको क्या करेंगे जो डिवाइस अपना यहाँ पर लगाएंगे, और यहाँ पर देख पा रहे हो गाइज ये इसकी हमारे स्टार्टर की यानी कि हमारी जो सेल्फ की मोटर होती है तो उसका जो स्टार्टर होता है हमारा यहाँ पर होता है। इसके अंदर हम लगाएंगे येलो वाले ब्लू वायर, इसके अंदर हमारी नेगेटिव लग जाएगी, इसके अंदर हमारी पॉजिटिव लग जाएगी, और हमारी बस्ती है येलो वायर। तो येलो वायर को हम कनेक्ट करेंगे गाइज। ये जो स्विच होता है ना आप जैसे कि देख पा रहे हो ये ऑन होगा, तो हमने क्या करना है चाबी ऑफ रहे और ये लाइट इसकी जल जाए सिर्फ और सिर्फ हमारे डिवाइस की। तो देख पा रहे हो इसके अंदर सिर्फ वायर है, तो वायर जा रही है हमारी नीचे की तरफ। तो हम क्या करेंगे जो पैनल है साइड पैनल, तो पैनल खोलने के बाद में जो इसके अंदर एक नेगेटिव आता है एक पॉजिटिव आता है ऑप्शन, उसके अंदर ना लगा के दूसरे वाले वायर के अंदर हम लगा देंगे, जिससे क्या होगा हमारा डिवाइस भी ऑन हो जाएगा और हमारी जो बाइक है मोबाइल से वो स्टार्ट भी हो जाएगी। तो इसके अंदर देख पा रहे होगा ये नेगेटिव आ जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, ये हमारा स्टार्टर का आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा इग्निशन का। तो गाइस बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है इसका अंदर लगाने के लिए, और ये सॉकेट होगा आपका प्लग एंड प्ले वाला। तो हम लगाते हैं अपनी बाइक के अंदर फटाफट इसको। गाइस ये हमारा लॉक है, तो लॉक के नीचे से एक वायर जा रही होगी इधर, तो आपको देखने के मिल जाएगी। तो गाइस यहाँ पर होती है, हमने निकाल दिया इसके अंदर। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है जो हम इसके अंदर चाबी ऑन करने पर जो इसके अंदर करंट आता है उसमें ना आने के बाद में दूसरे वाले में लगाएंगे। तो हम इसके अंदर चेक करते हैं, तो देख पा रहे होगा इसके अंदर हमने नहीं लगाना, हमने लगाना है दूसरे वाले के अंदर, इसके अंदर हमने लगाना है क्योंकि इससे हमारी गाड़ी के अंदर जो करंट है वो पास होगा, उससे क्या होगा हमारे जो मीटर वगैरह के अंदर लाइट आएगी हमारी गाड़ी की स्टार्टिंग उसी से होगी। तो येलो वाला वायर जो था हमने लगाना है इसके अंदर। तो गाइस देख पा रहे हो हमने इसके अंदर लगाने के बाद में हमने क्या करना है कपलर बंद करके हमारा जो पूरा जो सर्किट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस आप लोगों को एक बारी में वायरिंग समझा दूँ, तो हमारा ये इग्निशन का आ गया, ये हमारा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये हमारा आ गया स्टार्टर का जो हमारा लगेगा इस रेड वाली वायर के अंदर। कोई भी हमारे इसके अंदर वायर है वो कट नहीं हुई। अब लगाते हैं इसका जो यूनिट है, तो यूनिट को हम लगा देते हैं इसके अंदर सीधा कपलर करके। और अगर आपका एक ख़राब भी होता है बाई चांस इन केस, तो आप क्या करना यहाँ से हमारे को निकाल के भेज देना, हम आपको सीधा इसकी रिप्लेसमेंट है वो करके दे देंगे। तो गाइस हमारा डिवाइस है इसके अंदर लग चुका है अच्छे से, और जैसे कि आप देख पा रहे हो पूरी बाइक है वो हमने वापसी से फिट कर दी है। तो अब हम क्या करते हैं इसको टेस्ट करके देखते हैं जो हमने इसके अंदर डिवाइस लगाया हुआ है। तो चलिए गाइस सबसे पहले हमने क्या करना है अपनी एप्लीकेशन को ऑन करना है। सो गाइस सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में यहाँ पर सर्च करना है आपने ब्लूटूथ टर्मिनल। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो गाइस इसके अंदर ब्लूटूथ टर्मिनल की एक एप्लीकेशन आएगी, ये रही ब्लूटूथ टर्मिनल HC05। हमने इसको क्या करना है अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है डायरेक्टली। सो जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है उसको करना है आपने ओपन। तो आपने कुछ इस तरीके से आना है। सो गाइस ये एड फ्री के लिए, और जैसे कि आप देख पा रहे हो गाइस यहाँ पर इसके ऊपर क्या आएगा ब्लूटूथ डिवाइस सर्च का ऑप्शन। तो ये इसके अंदर है मॉडल ये, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये 3 times आपको गॉट इट बोलेगा। तो और सबसे पहले देखो गाइस आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने के मिलेगा 1, 2, 3, 4 and 5 बटन्स। तो सबसे पहले आपने इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है बटन 1 को। तो जैसे कि आपने यहाँ पर है 1 में यहाँ पर आपने लिख देना है ऑन। सो गाइस बटन नेम हो गया इसका ऑन, और यहाँ पे कमांड में डालना है आपने स्टार, यहाँ पर आपने देना है यहाँ पे गाइस स्टार करके स्टार, और यहाँ पे लिख देना है ऑन, ठीक है, और यहाँ पे लगा देना है हैश। तो गाइस ये हो गई हमारी ऑन की, और आपको कर देना है इसको सेव। तो इसी तरीके से गाइस यहाँ पर आएगा हमारा बटन 2 में ऑफ आएगा, और कमांड में आएगा स्टार ऑफ हैश, ठीक है, फिर हमने इसको कर देना है सेव यहाँ से। और आप और आगे का मैं आपको इसी तरीके से बताऊंगा कि हमने इन जो पांचों ब्रैकेट के अंदर जो बटन है उसके अंदर हमने क्या क्या दिया है। सो गाइस ये जो पांचों के पांचों बटन थे मैंने भर दिया, तो आप लोगों को दिखाता हूँ एक बारी। तो गाइस यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर बटन नेम आएगा ऑन, और इसका जो कमांड आएगा ऑन स्टार ऑन हैश आएगा, इसको हमने कर देना सेव। और यहाँ पर हमारा आएगा दूसरे बटन में नेम आएगा, बटन नेम आएगा ऑफ, और देखो गाइस यहाँ पर स्टार ऑफ और हैश, इसको भी हमने कर देना सेव। और यहाँ पर हमने लिखना है तीसरे बटन के अंदर स्टार्ट, और इसका जो कमांड है गाइस स्टार SS हैश, इसको भी हमने कर देना सेव। चौथे बटन के अंदर आएगा हमारा पासवर्ड, तो ऊपर हमने लिखना है नेम में पासवर्ड, और इसकी जो कमांड आएगी गाइस इसकी जो कमांड है स्टार 6 बारी 1 है और हैश है। और गाइस यहाँ पर आएगा चेंज पासवर्ड,
तो चेंज पासवर्ड में देख रहे हो गाइस, यहाँ पे मैंने अपना शॉर्ट नेम कर दिया टी के स्टार टी के और हैश। जब तक ये गाइस करेक्ट नहीं होगा तो मेरी बाइक कोई भी अपने फ़ोन से स्टार्ट नहीं करेगा। तो अगर आपको अपने एप्लीकेशन का पासवर्ड चेंज करना है तो सिर्फ और सिर्फ यहीं से होगा। तो जैसे कि कुछ भी डाल सकते हो, अगर आपका नाम है ठीक है सुशील कुमार है तो आप एस के डाल सकते हो, कुछ भी एक्स वाई जेड आपका जो सरनेम है या आपका मेन नेम है तो आपको दोनों को यहाँ पर उसका शॉर्ट में लिख देना है और यहाँ से कर देना है सेव। तो आप करते हैं अपनी गाड़ी को ऑन। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरी गाड़ी के अंदर कोई भी की है उसके अंदर लगी हुई नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ से करते हैं इसको ऑन। तो देखो गाइस यहाँ पर आपको देखेगा यहाँ पर बोला एंटर योर पासवर्ड, ठीक है गाइस। अब पासवर्ड में हम दबाते हैं पासवर्ड, ये देखो गाइस इग्निशन आ गया बाइक का। अब हम इसको कमांड देते हैं ये स्टार्ट होने का। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये बाइक हमारी ऑटोमेटिकली बाइक हमारी स्टार्ट हो चुकी है, देखो बिना किसी की के। अब हम यहीं से फ़ोन से इसको कर देते हो, तो हमें क्या करना है ऑफ वाला बटन को दबाना है और यहाँ पर हमें देना पासवर्ड। ये देखो गाइस सब कुछ ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा और जितने भी गाइस यहाँ पे कमांड जाएगी सब हमारी इसी के अंदर से जाएगी। तो गाइस देख पा रहे हो सब इसके ऊपर ही शो हो रहा है, ये हमारी एप्लीकेशन थी जो हमने इसके अंदर डिवाइस लगाया। तो थोड़ा और टेस्ट करते हैं ये हमारा जो डिवाइस है कितनी रेंज तक का हमारे डिवाइस है ये काम करेगा। सो गाइस आपको मेरी बाइक दिख रही होगी सामने, तो आपको ये लग रहा होगा कितनी पास है। तो अभी ये देखो 1 2 3 ये देख लिया गाइस। अब हम करते हैं सबसे पहले इसको बाइक को ऑन। तो ऑन करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर ऑन दबाना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस यहाँ पर आ गया एंटर योर पासवर्ड जो हमने पासवर्ड था, तो पासवर्ड देख पा रहे हो। अब हमारी जो गाड़ी की है वो देखो गाइस इग्निशन ऑन हो चुका है। तो एक बार आप देख लो गाइस इंडिकेटर हमारे पीछे के जल चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट होने से गाइस देख पा रहे हो जब हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी तो आप लोगों को देखो हमारी बाइक की टेल लाइट है वो जलती हुई नज़र आ जाएगी। तो ये होगी स्टार्ट यहाँ से, ये देखो गाइस अभी आप लोगों को आवाज़ वो आ रही होगी और पीछे की जो टेल लाइट है वो भी जल चुकी है। सो आप लोगों को एक बार क्लोज करके दिखाता हूँ। तो देख पा रहे हो गाइस इंडिकेटर जल गए और इसके अंदर गाइस कोई भी चाबी वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो एक बार आपको तो देख पा रहे हो गाइस हमारा जो मिशन था वो सक्सेसफुली तरीके से हो चुका है। तो बाइक को कर दो इनसे बंद। तो अब हम क्या करते हैं गाइस, जैसे कि अभी इसका इग्निशन ऑन है तो हमने इग्निशन ऑफ करने के लिए भी गाइस ये जो हमारी एप्लीकेशन है सो एप्लीकेशन के अंदर ही हमने कमांड देना है। तो देख जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमने दिया कमांड ऑफ, अब ये बोल रहा है पासवर्ड। तो ये देख पा रहे हो गाइस बंद हो गई। कितनी कमाल की एप्लीकेशन है गाइस और कितने कमाल का डिवाइस है ये। तो गाइस जैसे कि आपने देखा मैंने अपनी बाइक के अंदर लगा दिया एक ब्लूटूथ वाला डिवाइस जिससे हमारी बाइक है वो ऑटोमेटिकली आपके मनचाह स्टार्ट हो रही है, आपकी मर्जी हो बंद कर लो। सिर्फ इसके अंदर आपको फंक्शन मिलता है बाइक स्टार्ट करने का ऑफ करने का ऑटोमेटिकली। आप इससे किसी भी के साथ में भी प्रैंक कर सकते हो, आपकी बाइक कहीं दूसरी जगह हो तो अपने डिवाइस से ही अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकते हो। इसकी जो रेंज है गाइस इसकी जो रेंज का है वो है इसकी 100 मीटर, 100 मीटर के अंदर आप अपनी बाइक को ऑन ऑफ स्टार्ट वो कर सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये गाइस इसके अंदर एक पासवर्ड है, कोई भी आपकी बाइक को आपके की बिना इजाज़त से स्टार्ट नहीं कर पाएगा। तो गाइस देखा आप लोगों ने मैंने लगा दिया इस छोटे से डिवाइस को अपनी बाइक में। होप करता हूँ गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है। किसी बाइक को अगर ये प्रोडक्ट परचेज करना है तो हमारी वेबसाइट से जाके आप परचेज कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने दे रखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय।